हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगीट, एमजे सर, आपका केमिस्ट्री टीचर। अपन डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें अपन ने सीएफटी वीबीटी डिस्कस किया है। लास्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी कर लिया है। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इनऑर्गेनिक के जो कंपाउंड है उसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्यों कलर शो करते। तो कलर के लिए देखते हैं। सबसे पहला जो रीजन है, पांच रीजन की बात करेंगे यहां पर। सबसे पहला जो रीजन है वो डीडी ट्रांजिशन, डीडी संकरण। इसमें आप लिख लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो कलर ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। होता क्या है इसको देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टीआई प्लस थ्री इज वाइट। एक्वो सोल्यूशन ऑफ टी आई प्लस थ्री, मतलब इसको अपन कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी आई एच टू सिक्स प्लस थ्री। ये कलर शो करता है वॉयलेट। क्यों करता है इसको देखते हैं क्या होता है डीडी ट्रांजिशन। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसमें स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीजी और वाइटल ऊपर क्योंकि ये एक्सियल पोजिशन पर होते हैं, और ये आपके टी टू जी, कितना प्यारा लग रहा है टी टू जी। स्कैंडियम टाइटेनियम एस टू डी फोर, इसका एस टू डी टू कॉन्फिगरेशन होता है, प्लस टू के कारण डी में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक, कलर कैसे आता है देखिए, जैसे ही इस पर सनलाइट गिरेगी, यहां से आ गई आपकी सनलाइट, जिसको आप एच न्यू भी बोल सकते हैं, लाइट भी बोल सकते हैं, सनलाइट भी बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है ट्रांजिट करता है, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली तो ये क्या करेगा अपने हायर लेवल में चले जाएगा। यहां ये क्या करता है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये क्या करेगा, ये कंडीशन अनस्टेबल होती है, हाई एनर्जी स्टेट इज ऑलवेज अनस्टेबल। सो ये क्या करेगा, वापिस ये एनर्जी को एमिट करता हुआ अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, एमिट करेगा। और ये जो एमिट एनर्जी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो एमिट एनर्जी है ई इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अगर इसका वेवलेंथ लेमडा ये किसमें बिलोंग किया, विजिबल रीजन में, तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है कलर शो करता है। तो कलर शो करने का रीजन क्या है, किसी को लाइट मिलती इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हाई स्टेट में जाता है, हाई स्टेट में जाता है। अगर वो अनस्टेबल होती है तो एनर्जी एमिट करेगा, एमिट का मतलब इक्वल टू एच न्यू एस सी अपॉन लैम्डा, अगर ये विजिबल रीजन में तो वो कलर शो करेगा। ठीक है, तो ये होता है कलर शो करने का। अब कौन सा कलर वो क्या करता है शो करता है, ये डिपेंड करता है उसकी एब्जॉर्ब एनर्जी पर, एब्जॉर्प्शन। आपको पता है यहां पर लाइट आती है, ये जो लाइट है इसके अंदर से सेवन कलर होते हैं, सेवन कलर में जिस कलर को वो एब्जॉर्ब करेगा, लाइट जिस कलर को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब्ड कलर, उसका रिफ्लेक्टेड कलर जो होगा वो क्या होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो कलर उसने एब्जॉर्ब किया उसका रिफ्लेक्टेड कलर का मतलब होता है जो अपने को दिखाई होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर कंसेप्ट क्या है, बड़ी सिंपल सी है, देखिए क्या होता है आपको बता दूं। विबग्योर जो होता है वी आई बी जी वाई ओ आर, वॉयलेट इंडिगो का येलो, ब्लू का ऑरेंज, ग्रीन का रेड, ये इसके बाद लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम था मैंने ऊपर लिख दिया है। ये कॉम्प्लीमेंट, येलो का ये, वॉयलेट का येलो, ब्लू का ऑरेंज, ऑरेंज का। अब देखिए जैसा कि मैंने यहां बताया कि आपको वॉयलेट कलर दिखाई दिया है तो इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा, यहां पर कोई बता सकता है, वॉयलेट ये रहा तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर इसने येलो कलर एब्जॉर्ब, अरे रे येलो कलर एब्जॉर्ब किया होगा तो आपको दिखाई कौन सा देगा, वॉयलेट। तो आई थिंक आप समझ में, आप लोगों को समझ में आ गई होगी कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कंसेप्ट क्या है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है सनलाइट के। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, आगे बात करते। So, आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि विच ऑफ दीज विल एब्जॉर्ब मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके अकॉर्डिंग कलर शो करता है। ये यहां पर आपको क्या दिए हुए हैं, लिगेंड दिए हुए, अब इसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर आपका आंसर देना है।
ठीक है। तो देखिए कैसे डील करोगे इसको, डील करना बड़ा आसान है। उससे पहले एक पॉइंट बता देता हूं मैं, क्या है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी पर डिपेंड करता है। स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है आपको पता है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, तो वहां पर ऑक्टाहेड्रल, तो यहां पर अपन क्या कर देते हैं, जो एनर्जी क्या होगी यहां पर, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल एच सी एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन। अब देखिए यहां से आप एक दो बातें बता सकते हो, क्या बात यह है कि अगर लेमडा बढ़ेगा, डेल्टा बढ़ेगा तो लिगेंड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन उस केस में वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, यहां पर लेफ्ट टू राइट अगर अपन जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये बात समझ गए ये ना, एनर्जी ज्यादा लेमडा कम, एनर्जी ज्यादा स्प्लिटिंग ज्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग, इधर से इधर जा रहे हैं तो देखिए आपको बात पता लग रही है कि लिगेंड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसका मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इसका मतलब सॉरी ज्यादा हो रही, तो ये ज्यादा मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब एनर्जी ही है, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ यहां पर कम, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, फोर्थ ऑप्शन CrNO2+3। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स का कलर शो करने का रीजन क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी, जितना ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी उसी के अकॉर्डिंग कलर होता है, ठीक है। तो देखिए आपके लिए एक और बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न यहां पे, कॉम्प्लेक्स L1+6, L2+6, L3+6, L4+6, यहां पर L1, L2, L3, L4 लिगेंड्स है, एब्जॉर्ब ब्लू वायलेट रेड ग्रीन लाइट, देन लिगेंड स्ट्रेंथ विल बी, आपको इनकी लिगेंड स्ट्रेंथ बता। एक बात ये क्वेश्चन बहुत आसान है, रीजन ये है कि यहां पर एब्जॉर्ब कलर दिया हुआ है, अगर एमिटेड कलर दिया होता मतलब ये बोलता है इन कॉम्प्लेक्स का कलर ये है तो उसकी लिगेंड स्ट्रेंथ बताओ, तो उस केस में क्या करते, पहले उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालते मतलब एब्जॉर्ब कलर निकालते, फिर उसके अकॉर्डिंग लिगेंड स्ट्रेंथ बताओ। अब ये बड़ा सिंपल है, तो कैसे डील करेंगे इसको देखिए, आपको पता है वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है, तो मेंशन कर लीजिए यहां पर ये वॉयलेट है किसका, एल वन का, और सॉरी वॉयलेट तो सेकंड का, ये एल टू का, और ब्लू किसका है, एल वन का, और रेड किसका है, एल थ्री का, और ग्रीन किसका है, एल फोर का, तो ये एब्जॉर्ब्ड कलर है, ध्यान रखिएगा ये एब्जॉर्ब्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट लिगेंड स्ट्रेंथ बता सकते हैं। तो लिगेंड स्ट्रेंथ बतानी है आपको, पता है इधर से इधर जाते हैं, एटॉमिक में पढ़ाया आपको कि इन कलर्स के अकॉर्डिंग वेवलेंथ बढ़ती जाती है, एनर्जी घटेगी, स्प्लिटिंग एनर्जी घटेगी, इसका मतलब क्या होगा, कहां होगा बताइए ना, लिगेंड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी यहां पर, कम हो जाएगी, ठीक है, तो इधर वालों कम इधर वालों का ज्यादा, तो लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलिए ना, एल थ्री, तो ये हो गया आपका लिगेंड स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो इस तरीके से डील है। अब मैं आपको लगे हाथ एक और बात बता देता हूं इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये एब्जॉर्ब, अगर ये कलर आपको क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड होते, क्वेश्चन में क्या होता आपको दिया हुआ है, रिफ्लेक्टेड कौन से दिए हुए हैं, रिफ्लेक्टेड ये दिए हुए हैं, जैसे ब्लू रेड ग्रीन एंड अरे 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 ब्लू वॉयलेट का यार मुकेश, वॉयलेट रेड एंड ग्रीन, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर बताने पड़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर, तो ब्लू का क्या है, ब्लू का है यहां पर देखिए ऑरेंज, तो एब्जॉर्ब्ड कलर अब क्या आ जाएंगे, एब्जॉर्ब्ड आ जाएंगे यहां पर, ये आ गया आपका ऑरेंज, और वॉयलेट का क्या हो जाएगा, येल्लो येल्लो डर्टी येल्लो, रेड का हो जाएगा ग्रीन, और ग्रीन का क्या हो जाएगा, रेड,
कंसेप्ट लगेगी इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगती रिफ्लेक्टेड या फिर जो कलर अपने को शो हो रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो आसानी से वही कहानी वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है? दिखाई दे रहा है क्या कैमरा भाई? धोखा मत कर देना। ओहो हो, दिख रहा है, दिख रहा है। ये आ गया आपका वीडियो, थोड़ा बड्डे लिख देते हैं, ठीक है? तो ये आ गया ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब L1, येलो का मतलब L2, और ग्रीन का मतलब L3, और रेड का मतलब सॉरी रेड का मतलब ये रेड का मतलब L4। तो लिगेंड स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी? L3, L2, L1 और L4। देख लिया आपने? तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं होगा। रिफ्लेक्टेड जो कलर दिए उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट ये है। अगर आपको एब्जॉर्ब कलर दिया हुआ है तो सिंपल डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, जैसे आपने यहाँ, ठीक है? अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे NiS2 6 में जब एक EN जोड़ा, दो S2 हटाए तो ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। ये ग्रीन था, ये ब्लू ग्रीन। इसमें एक EN और जोड़ा, दो S2 हटाए तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स। इसका कलर आपको बताना है। इसमें एक लिगेंड जोड़ा, दो S2 हटाए तो NiEN5 ये बन गया वॉयलेट। इसका कलर येलो होगा, ब्लू होगा, रेड होगा, येलो ग्रीन। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ऐसे नहीं जाना है कि आप लिगेंड स्ट्रेंथ देख रहे हो, कलर दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकाल रहे हो, फिर अंदाजा लगा रहे, इतना करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो क्या हो रहा है, लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है तो कलर का एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस को फॉलो करके आप कलर बता दोगे। तो देखिए यहां पर आपको इसका सॉल्यूशन में ये पता है विप ग्योर, ठीक है? तो यहां पर देखिए ग्रीन कहां पर है, ये रहा आपका ग्रीन। उसके बाद में क्या है, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ये रहा ये ब्लू और ये ग्रीन, ठीक है? तो अगला कलर कौन सा, एक तरीके से अपने पास क्या आ गया, ब्लू ग्रीन, सॉरी ब्लू ग्रीन आ गया। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, सॉरी ऐसे ये आ गया ब्लू ग्रीन, क्यों कलर मिक्सअप होते हैं इनके। अगला कलर कौन सा है, वॉयलेट। तो इसका मतलब यह है कि अपने पास जो कलर बचे हैं, एक तो ब्लू बचा है और एक इंडिगो बचा है, या फिर वॉयलेट इंडिगो या फिर इंडिगो ब्लू, इनमें से एक आंसर जाएगा। तो देख लीजिए, येलो बाहर का है, ब्लू अंदर का है, रेड बाहर का है और येलो ग्रीन ये भी बाहर का है, तो एक आंसर अपना आ जाए कौन सा। तो कलर का एक सीक्वेंस देखना है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर आसानी से टिक कर सकते, ठीक है? तो देखिए अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस। यहां पर पहला पॉइंट मैंने बोला है कि डीडी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल फॉर D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन, एकदम सही है। अगर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो ऊपर क्या जाएगा, अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर कैसे जाएगा, पर 10 है तो पूरे फिलअप है तो जाने के लिए जगह ही नहीं। तो इन दोनों केस में कोई ट्रांजिशन नहीं होता है और कंपाउंड कलर शो नहीं करता। जैसा ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, मतलब कलर शो कर सकता है या फिर ऐसे पूछ सकता है शो कर। तो इनमें आपको देखना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप क्या करोगे, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे। Sc+3 मतलब D0, TiSO4 2 में Ti+4 मतलब D0, टाइटेनियम क्या होता है S2D2, Zn+2 D10, Cr+3 D3। तो इनमें से कौन सा कलर शो करेगा, तीन में D0 D0 D10 है, तो यहां पर आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट एंड फैक्ट, NiCN42- इज कलरलेस ड्यू टू हाई स्प्लिटिंग एनर्जी। आप ये बोल सकते हो कि सर यहां पर तो Ni+2 में है, +2 का मतलब हो जाएगा S0D8, डी में तो इलेक्ट्रॉन है, डीडी ट्रांजिशन होना हो जाना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जो आपको पता है स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी, जैसे डेल्टा स्क्वायर प्लेनर की, डेल्टा ऑप्टर, तो स्क्वायर प्लेनर की जो स्प्लिटिंग एनर्जी, जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि आपको यह भी पता है डेल्टा स्क्वायर प्लेनर इक्वल टू 1.3 डेल्टा ऑप्टर। वैसे अगर बात करें तो यहां पर स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होने के कारण जो ट्रांजिशन है
वो पॉसिबल नहीं हो पाता, और ट्रांजिशन अगर पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, कलर श्योर नहीं हो पाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहां रह जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा क्या हो जाएगी, बहुत बहुत ज्यादा है, तो यहां पर मतलब लेमड़ा बहुत बहुत कम, तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन का मतलब व्हाइट भी बोल सकते हैं और इसको कलर है, यही तो होता है। यहां पर ये अल्ट्रा वायलेट, ये विजिबल, और फिर इंफ्रारेड, ये ब्लैक कलर शो करता है, और ये आपका विबग्योर होता है, वी आई बी जी वाई ओ आर कलरफुल, और ये क्या होता है, व्हाइट या फिर कलर। ठीक है, तो गैप बहुत ज्यादा होने के कारण लैम्डा कम हो गया तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में ही रहता है, यहां से यहां पर जाने पर लैम्डा बढ़ता, तो अल्ट्रा वायलेट का बहुत। ठीक है, ये पॉइंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सी। वैसे तो ये आपका सिलिकेट्स वाले पार्ट में आता था, कार्बन फैमिली, यहां पर इसको अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। इमराल्ड ग्रीन कलर का होता है, रूबी रेड कलर का होता है। इमराल्ड क्या होता है, Cr+3, और ये क्या होता है आपका बेराइल, ये एक सिलिकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ भी, और ये क्या आपका कोरंड। एक बात और बता देता हूं लगे हाथ, SiC को क्या बोलते हैं, कार्बोरंडक का कार्बोरंडक, और ये होता है कोरंडक, कार्बन है तो कार्बो, अदरवाइज कोरंडक। ठीक है, इसके कलर शो करने का रीजन होता है Cr+3, क्यों, Cr+3 का कॉन्फ़िगरेशन D3 के कारण यहां पर ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसलिए कंपाउंड एक ग्रीन कलर का रहता है, एक रेड कलर का है, साथ में ये इसके अंदर मिक्सअप रहता है। कई बार क्या होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कि सर हमें तो ये याद नहीं रहता इसका कलर क्या है, कैसे इसको याद रखें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, RR कंसेप्ट, क्या R का मतलब रूबी, रेड और कोरंडा। ठीक है ना, RRC भी बोल सकते हो या फिर रंडम का R आ जाएगा, वैसे बिराइल में भी R आ रहा है, लेकिन ध्यान में क्या रखोगे आप, RRC। एक और तरीका है, बिल्कुल सिंपल बता देता हूं मैं, देखिए ये रूबी नेम छोटा है, रूबी का रेड आ गया है, ये याद रख सकते हैं। Cr+3 दोनों में है, ये छोटा है तो ये भी यहां पर जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल क्या है, छोटा है। ये थोड़ा बड़ा स्पेलिंग है, बड़ा नाम है, तो यहां पर भी इसका मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, थोड़ा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। हाँ, इनऑर्गेनिक अपन कहते हैं कि समझने का कंसेप्चुअल है, लेकिन साथ साथ कुछ बातें याद भी रखनी है। अब यहां पर आपको पता है कि याद रखना पड़ेगा, याद कैसे रखोगे, जो मैंने तरीका बताया, रूबी रेड छोटे के साथ छोटा। ठीक है, तो देखें अगला पॉइंट, अपना पॉइंट नंबर डी है कि कॉम्प्लेक्स बिकम कलरलेस इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड नहीं होंगे तो कलरलेस होगा, क्यों, क्योंकि लिगेंड होते हैं तभी तो डी ऑर्बिटल्स की शिफ्टिंग, क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग होती है। स्टार्टिंग याद करो, मैंने बोला था फ्री आयन के केस में एनर्जी बिल्कुल नीचे थी, क्यों, फ्री आयन है, कोई भी लिगेंड है तो स्प्लिटिंग नहीं होती है, लेकिन जब टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो वहां पर डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग होगी तभी तो डी ट्रांजिशन होगा। ठीक है, रीजन पता लग गया। अब दो एग्जाम्पल अच्छे देख लेते हैं, Ti2O6 जो अपन स्टार्टिंग बात किया था कि ये क्या होता है, वॉयलेट होता है, लेकिन बिकम कलरलेस ऑन हीटिंग ड्यू टू रिमूवल ऑफ H2। यहां पर Ti के साथ H2 जुड़ा हुआ इसलिए कलरफुल है, गर्म करेंगे H2 की भाप बन के उड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस, क्योंकि Ti+3 बचेगा, कोई आयन, कोई H2 नहीं। अगला CuSO4 कलरलेस होता है, लेकिन जब इसमें 5H2 डालते हैं तो क्या बनता है, CuSO4.5H2। ये तो अपना सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये है CuSO4.H2, जिसे अपन बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, और इसका ब्लू कलर भी होता है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही खास क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसमें एच बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट है, सारे बॉन्ड प्रेजेंट है। इसकी स्ट्रक्चर बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं, देखिए कुछ ऐसी होती है, ये तो कोऑर्डिनेशन वाला H2 और H2, ये प्लस प्लस चार्ज
ये कोऑर्डिनेट मोड आ गए H2O का कोवलेंट, यहां पर इसके साथ क्या जुड़ जाता है S O माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये आयनिक आ गया प्लस और माइनस के भी, और यहां पर H2O, तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कोवलेंट आयनिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि आप एक ही कंसेप्ट एक क्वेश्चन से सीखे, मल्टीपल सीखोगे और रिलेट करोगे तभी इनऑर्गेनिक में मजा आएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इस पॉइंट का, यहां पर डीडी ट्रांजिशन का कलर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर मे बी डिफरेंट, इसका मतलब क्या है, आइसोमेरिज्म इसका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, लेकिन आपको इतना पता है कि एक सिस है एक ट्रांस है, तो उस केस में भी जो कॉम्प्लेक्स के कलर होते हैं वो अलग हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अपन टॉपिक पढ़ रहे थे कलर, पहला पढ़ा आपने डीडी ट्रांजिशन, सेकंड अपना क्या चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर में क्या बताया गया, देखिए कलर शोन बाय चार्ज ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, तो विजिबल एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने के कारण एक कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, विद इन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जिसके कारण भी कलर शो होता है, क्यों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करना फिर वापस एनर्जी एमिट करना, इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, जो लेमडा है विजिबल रीजन में तो कलर शो करता है। देखिए मैं यहां पर दोनों पॉइंट बताता हूं, तो देखिए यहां पर मैं बात करने वाला हूं चार्ज ट्रांसफर की, दो टाइप से चार्ज ट्रांसफर होता है, पहला है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, शॉर्टकट में जिसको CTLM बोलते हैं, ये इस कंसेप्ट के बारे में NCERT में ज्यादा नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आए हुए हैं आते हैं तो आपको ध्यान से समझना। दूसरा है लिगेंड चार्ज ट्रांसफर मेटल टू मेटल, ये क्या है लिगेंड टू मेटल, तो ये इसके कुछ 7-8 एग्जाम्पल है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहता है, जैसे K1NO4 का कलर पर्पल है, K2MNO4 ग्रीन है, CrO2Cl2 जिसको क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं येलो है, K2Cr2O7 ऑरेंज है, K2CrO4 येलो है, और यहां पर आपके नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है FeS2O5 NOSO4 ये होता है ब्राउन, Na4FeCN5NOS नाइट्रोसो लिगेंड बोलते हैं, ये क्या होता है ब्राउन। अब इसकी कंसेप्ट है वो थोड़ी सी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी क्या पूरी देख लें कहीं बुरा ना लग जाए आपको, ये यहां पर मैंने मान लिया है क्या, MnO4-, ठीक है। एक यहां पर बात ध्यान में देने वाली ये है कि इनमें से मोस्टली के पास D0 होता है, ये +7 है, इसमें क्या होता है D0 कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जरूर +6 है तो D1, इसमें क्या रहता है +6 तो D0, इसमें क्या रहता है +6 तो D0, यहां पर +6 तो D0, यहां पर जरूर इलेक्ट्रॉन है FeSO4, Fe+1 में है, 4, 5 और 1, 6 में से 11, 2, ठीक है। जनरली कुछ केसेस में क्या रहता है D0 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी ये कलर शो करते हैं, क्यों, देखिए ये है लिगेंड ये है मेटल, तो जैसे इसको लाइट मिलेगी यहां से विजिबल लाइट, तो लाइट लेकर ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा Mn के पास, जो Mn पहले +7 में था ये किस में जाएगा +6 में, तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, एनर्जी का ट्रांजिशन है, तो जो एनर्जी का अमाउंट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर कलर शो होता है, ठीक है। अगला अपना है चार्ज ट्रांसफर मेटल टू मेटल, दो इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जहां पर मेटल टू मेटल ट्रांजिशन के कारण भी कलर शो होता है, देखिए कौन से वो एग्जाम्पल है, एक तो आपका पर्सियन ब्लू या फिर पर्सियन ब्लू, एक है आपका याद करो एक और था ऐसा ही नाम पर्सियन ब्लू टर्न बुल्स ब्लू टर्न्स ब्लू ब्लू कॉम्प्लेक्स बुल्स ब्लू, इसका स्ट्रक्चर बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर के लिए दो बातें याद रखनी है, यहां पर क्या हुआ 3 वर्ड यूज किए, यहां पर मैंने 2 यूज किए, तो 3 यूज किए तो बाहर है +2 और अंदर +3, इसमें 2 यूज किए तो 2 यूज किए अंदर +2 और बाहर +3, इसको फेरी फेरो फेरिक फेरस, इसको फेरोस फेरस का फेरो और फेरिक का फेरी फेरो फेरी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान हो जाएगा कैसे, देखिए ये आपका बाहर की साइड Fe अंदर FeCN6,
पहले तो आप इतना कर लें, फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए अंदर प्लस टू है, बाहर प्लस थ्री है, तो थ्री यहां पर है, यहां पर थ्री करना पड़ेगा। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू कब आएगी, यहां पर सिक्स है, तब यहां पर मैं फोर लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि फोर लगाऊंगा माइनस का चार्ज, तभी ये प्लस टू, तभी ये प्लस टू आ सकता है। यहां पर माइनस फोर होगा, मतलब यहां पर फोर लगाना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये प्लस टू, ये प्लस थ्री, ये टू कब आएगा, जाए यहां पर थ्री हो सकता है, सॉरी यहां पर क्या हो टू। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री कब आएगा, तब यहां पर माइनस थ्री है, और ये थ्री कब आ सकता है, तब यहां पर आई भेजे में। तो ये अब चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा, मेटल टू मेटल, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से उधर, तो एक तरीके से इंटरनल रेडॉक्स चलता रहता है, उसके कारण ये कंपाउंड क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। माना कि Fe प्लस टू और Fe प्लस थ्री में आप बोल सकते हो डीडी ट्रांजिशन, लेकिन इसका जो कलर शो करने का रीजन होता है वो डीडी ट्रांजिशन ना होकर क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर मेटल टू मेटल, ठीक है। तो ये अपना सेकेंड रीजन होता है यहां पर फिनिश। तो देखिए नंबर थ्री रीजन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की स्टोरी मैंने आपको बताई थी 11th क्लास केमिकल बॉन्ड के अंदर आयनिक कंपाउंड्स में, ठीक है, पोलराइजेशन फाजांस। तो इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का कैटायन की तरफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है, तो उसमें भी एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो उसके कारण कलर शो होता है। जितना ज्यादा ट्रांजिशन कलर की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है, मतलब जितना ज्यादा पोलराइजेशन कलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। यहां पर आप देखें कैटायन फिक्स है, एनायन की साइज बढ़ रही है तो पोलराइजेशन इसमें बढ़ेगा, कैटायन सेम है एनायन बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। जेड एन सी डी एच जी, एनायन सेम है लेकिन कैटायन, कैटायन का पोलराइजेशन पावर बढ़ रहा है इसलिए पोलराइजेशन बढ़ेगा। रीजन जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड एन सी डी एच जी नीचे जाते हैं डी ब्लॉक में तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। तो कलर इंटेंसिटी व्हाइट, पेल येलो, येलो व्हाइट था, फिर येलो, फिर व्हाइट, येलो, ब्लैक, तो देखिए कलर इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। एक इंटरेस्टिंग बात है, ये बता सकती है अल्ट्रा वायलेट रीजन का है और ये विजिबल का है क्योंकि कलर है, और ये इंफ्रा रेड, ठीक है। तो ये अपना थर्ड पॉइंट फिनिश। तो देखते हैं नंबर फोर्थ, होमो ल्यूमो ट्रांजिशन। ये अगेन 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग एमओटी में आपको पढ़ाया था कि होमो ल्यूमो ट्रांजिशन के कारण भी कलर शो होता। F2 की बात करें तो F2 का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2। जैसे इसमें लाइट गिरेगी, विजिबल लाइट, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा यहां, फिर यहां से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो इससे क्या करता है, ये E इक्वल टू एच न्यू एच सी अपॉन लेमडा, वही कहानी, ठीक है, हाथों में किताब आंखों में पानी। तो ये बात आ गया वेवलेंथ, तो इस वेवलेंथ अगर विजिबल रीजन में तो कलर शो करता है। हैलोजन्स इसी कारण कलरफुल होती है, F2 होता है येलोइश गैस, Cl2 ग्रीनिश येलो गैस, Br2 रेड ब्राउन लिक्विड, I2 वायलेट। सो जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था दो साल पहले यही, कि क्यों कलर शो करता है, मल्टीपल चॉइस, मतलब मोर देन वन चॉइस था। एक ऑप्शन होमोल्यूमो ट्रांजिशन, सेकेंड एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, थर्ड दियर फिजिकल स्टेट, फोर्थ नन ऑफ, फोर्थ ऑल ऑफ दीज, फोर्थ और कुछ ऑप्शन था रिमेम्बर नहीं मेरे को। तो होमोल्यूमो भी है, होमो का मतलब हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये है ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन भी है, और इसके साथ आप क्या बोल सकते हो, बोलिए, फिजिकल स्टेट नहीं, माना कि ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड, तो फिजिकल स्टेट का यहां पर कोई रीजन नहीं है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, वैसे ही इनऑर्गेनिक यानी सॉलिड स्टेट में आता है, आपको पढ़ाया हुआ भी है कि जिंक ऑक्साइड जो होता है व्हाइट कलर का होता है, लेकिन गर्म करते ही क्या होता है, येलो कलर का। इसका रीजन सॉलिड स्टेट में एक्सप्लेन किया जाता है क्रिस्टल फील्ड डिफेक्ट के कारण ये कलर का यहां पर चेंज होता है। तो ये आप भी ध्यान रख लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते। तो यहां पर कलर वाला पार्ट अपना फिनिश होता है। थैंक यू, कोई डाउट्स आए तो आप मेरे को फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।